आई होप आप सबको मेरी आवाज साफ साफ आ रही होगी। तो बच्चों देखो, अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? आपकी जैसे भी प्रिपरेशन हुई है, जिस लेवल की हुई है, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन ध्यान रखो, आपको अपना 100% देना। आई थिंक ये 3 आवर्स का एग्जाम है ना आपका? No, sir, 2 hours. 2 hours के कैसे? तो आपके मेन एग्जाम 3 घंटे के नहीं होंगे क्या? So, 35 marks का है एग्जाम। 35? अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं ना प्री बोर्ड है। आप तो कह रहे थे प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड तो हमारे तो टाइम पे बिल्कुल ऐसे लेते थे, बिल्कुल जो मेन एग्जाम होता है। आपका ऐसा कुछ नहीं है क्या? ओके, एक बच्चे बोल रहे हैं वैसा ही है, लेकिन मतलब वही मैं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कोविड की वजह से। ओके, तो कोई ना, ठीक। तो बच्चों देखो, आप एक तो घबराना मत, ठीक है? बहुत बच्चे, आई नो फिजिक्स में काफी बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट भी है, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको आता भी होगा ना तो भी डर लग रहा होगा। बहुत बच्चे ऐसे भी, मैं भी ऐसा था। और मैं जब अपना फाइनल एग्जाम देने गया था तो मुझे सारा आता था, बट कहीं ना कहीं डर लगता था कि अगर मान लो मेरे से वो ना हुआ तो, वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो, न्यूमेरिकल नहीं हुआ तो। बच्चों देखो, ध्यान रखो, नेगेटिव सोच के आप पूरा आपका भी अच्छे से कर आप अच्छे से परफॉर्म कर भी नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट जो टॉपिक आपको आता है ना, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? एंड बच्चों ध्यान रखना, अभी आपके प्रीबोर्ड में जो भी मार्क्स आने वाले, जैसे मार्क्स आने वाले, उनको बहुत ज्यादा दिल से मत लगाना, ठीक है? बिकॉज हमारा फाइनल एम हमारा क्या है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम। तब तक हम बहुत ही अच्छे से रिविजन कर लेंगे, ठीक है? टिल देन बच्चों, आपको जैसी प्रिपरेशन हो रही है, आप मेरे से कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है? अगर किसी को वैसे कोई इशू आ रहा है एजुकेशन के रिगार्डिंग, की फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं डर लग रहा है, ठीक है? बहुत बच्चे, आपने बहुत टाइम से दिया भी नहीं है एग्जाम तरीके से, और कहीं ना कहीं आप अगर प्री बोर्ड एग्जाम अभी दे भी रहे हो, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 घंटे का है, 35 मार्क्स का है, आई डोंट नो वो किस तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है? बट बच्चों ध्यान को, आपको एग्जाम अच्छे से देना ही देना है विद पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई होप। चलिए बच्चों, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी, अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपके जो प्रिपरेशन चले आप उसको करते रहो कंटिन्यू। अगर वो डाउट है, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जिसको डाउट नहीं पूछ रहा है, बट आप बाकी बच्चे पूछेंगे तो हम सुन लेंगे बैठ के, इट्स ओके, आप बैठ सकते हो। अदरवाइज किसी को डाउट नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ ठीक है, वो बता दूंगा मैं, ठीक है? एंड बच्चों ध्यान रखो, जो भी आपको मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ना, बहुत डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ऊपर ऊपर आपको चीजें बता दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा किसी को जिसको जेनुअली अभी अपना रिवीजन करना है, कोई डाउट नहीं है और उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, देन यू कैन लीव क्लास, अगर किसी को ऐसा है, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डाउट नहीं है और आपके मोस्टली आपको चीजें क्लियर है फिर भी आपको बैठना, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आप आई थिंक ये दीपा मैम ने आपको सबको बता दिया होगा ना। ओके, स्वाति कह रहे पीएन जंक्शन डायोड पे एक बार फिर से रिवाइज कर, ठीक है? बच्चों देखो, बच्चों ध्यान को ट्राई करो, जो आपका जो क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर है, या फिर इससे पहले जो टॉपिक है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, जो लास्ट वाला जो न्यूक्लियर वाला जो टॉपिक है, उससे पहले जो ये हम ट्राई करेंगे, कल करेंगे, ठीक है? सारा का सारा आप एकदम से ऐसे इतना लोड मत लो, समझ लो। अभी किसी को ऑप्टिक्स में कुछ पूछना है, या फिर आपको अपने एटॉमिक्स उसमें कुछ पूछना है, आप पूछ लो, ठीक है? एक तरीके से आप, आई थिंक आप तरीके से रिविजन कर रहे हो ना, कि जैसे कुछ पोर्शन आज कर लिया, कुछ पोर्शन कर लिया, ऐसे कर रहे हैं, फिर एक दिन में पूरा निपटा रहे हो ऐसे पेज पलट पलट के, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है तो। चलिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि उनको कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट में डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं आपको फिर डायग्राम आपको अभी समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? देखो जो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप स्टडी करते हो ना, जब भी आप स्टडी करते हो, कई मेरी आवाज आई थी सबको क्लियर आ रही होगी, हाँ, जब भी आप स्टडी करते हो ना, तो कई बार क्या होता है, आपको ना बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि बहुत ही ज्यादा डीपली समझे, ठीक है? और उसको बहुत ही ज्यादा डीपली याद रखें। और तो कई केस में ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको मेन क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मान लो कि जैसे लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है? लेंस फॉर्मूला में क्या है,
आप सबको पता है 1/v = 1/u, sorry, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। अब इसके साथ आपको क्या बताना चाहिए, आपको फॉर्मूला तो पता है, बट एक सेकेंड, इसके साथ आपको बच्चों साइन कन्वेंशन बताना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ध्यान रखो, आपको ना जो चीजें आपने जो चीजें याद की है उसको बच्चों आप करो इंटररिलेटेड। आपको क्या करना बच्चों, इंटर रिलेट करना आपस में। चलिए, तो किसी बच्चे ने पूछा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वेव टॉपिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। बच्चों ध्यान रखो, ठीक है, वेव टॉपिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था मैं, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे बच्चों क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, आपका डेरिवेशन भी आ सकता है, आपका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, बच्चों ये आएगा ही आएगा, मतलब इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। अब न्यूमेरिकल किस पे आ सकते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं बच्चों मैक्सिमा पे आ सकते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है। देन आपका आ सकता है इंटेंसिटी पे, आपका आ सकता है, ठीक है, एंड फ्रिंज विड्थ। इनके बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और बाकी बच्चे देखो, कहीं ना कहीं आप सबको खुद भी पता होता है, आप वैसे आप टीचर की मुंह से सुनना चाहते हो, बट बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता होता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना आपको हिंट मिल जाता है। आपको क्या लगता है वेव ऑप्टिक्स में और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बोलो बच्चों, मेरी बात सबको साफ आ रही है बच्चों, याद कर दो। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमने साउंड वेव टॉपिक हमने क्या था, साउंड वेव, यस स्वाति, यस बिल्कुल सही बोला आपने बच्चों। देखो ये जो इंटरफेरेंस है, देखो सबसे पहले यहाँ से इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस हम सब चीजें पढ़ते हैं कि मतलब कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम होगी, ठीक है। और उसी से रिलेटेड क्या अपना YDSE, भाई YDSE में क्या है तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो मैं, देखो YDSE में क्या अपना एक एक्सपेरिमेंट तो है कि भाई देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि अगर एक सेकेंड, देखो बच्चों YDSE में क्या करना अपने को, मान लो हमारे पास दो सोर्स है बच्चों, ठीक है। एक सोर्स यहाँ पे S1, एक S2 है, और सेम हम किस में करते थे, साउंड वेव में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें ये पता करना है कि मान लो इस लाइन से, इस पॉइंट से अगर हमें किसी वाइड डिस्टेंस पे अगर हमें निकालना पड़े, ठीक है, हमें ये बताना कि वहां मैक्सिमम बनेगा या वहां पे मिनिमम बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, साउंड वेव में क्या करते थे, एक साउंड वेव यहां भेजते थे, यहां पे हम क्या भेजेंगे, यहां पे हम लाइट वेव भेजेंगे, ठीक है। अब बच्चों अब यहां से क्या करेंगे, यहां से आप एक काम करो, यहां पे डाल दो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने डाल दिया बच्चों परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बच्चों ये अपना क्या आ गया, ये अपना क्या है, इट्स अ पाथ डिफरेंस। क्या क्या बच्चों अपना, पाथ डिफरेंस। यहां तक किस किस को समझ आया, यहां तक क्लियर है ना। अब याद करो बच्चों मैक्सिमा के लिए क्या होता था, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, याद करो, याद है कि नहीं, ठीक है। अब बच्चों अब देखो, मान लो इन दोनों स्लिट के बीच में अगर अगर डिस्टेंस डी है, तो बच्चों ये जो वैल्यू आई ना, ये क्या जाएगी, क्या जाएगी, डी साइन थीटा, क्यों, एंगल क्या अपना, एंगल बच्चों थीटा। ये बात सबको समझ आई, ठीक है। अब बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, अब याद करो मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर थीटा बच्चों स्मॉल हो, अगर बच्चों थीटा क्या स्मॉल है, इन दैट केस साइन थीटा टेन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं बच्चों, यहां पे अगर हम बात करें
यहाँ पे बोले तो वो जो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल. इन दैट केस वी कैन सी डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना डी टेंजेंट ऑफ थीटा. टेन थीटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है वाई डिवाइड बाई में कैपिटल डी. कैपिटल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन. तो बच्चों यहाँ से अपना क्या आ जाएगा अपने डेल्टा एक्स आ गया. क्या वैल्यू आ गई इसकी डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी. और यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा एक्स कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी. एंड बच्चों सही बताऊँ जब मैं आपके आपकी क्लास में जब ट्वेल्थ में था ना ये टॉपिक मुझे बहुत ही कम समझ आता, मुझे समझ ही नहीं आता था एक्चुअली. बिकॉज मैं क्या करता था ना मैं चीजें रट्टा लगाता उस टाइम पे. मैं रट्टा रटता आज जिस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ ना उस टाइम पे ऐसा नहीं था. मैं चीजें रटता था वाई रोड लिया ओके वाई है ठीक है यहाँ पे ओके ठीक है कैपिटल डी है डिस्टेंस स्मॉल डी है ओके अपना फॉर्मूला हो गया डेल्टा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू लैम्डा नहीं नहीं लैम्डा नहीं वाई डिवाइड बाय कैपिटल डी. ऐसा मैं याद रखता था. बच्चों आप कहीं कहीं आपको चीजें समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी ठीक है. अब आप कैसे समझोगे इस बात को कैसे समझोगे बच्चों मुझे एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ. अगर मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊं तो देखो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं. इस फॉर्मूले को ना देखो अपने बच्चे क्या करते हैं बच्चे ये भी याद रखते हैं ये भी याद रखते हैं. बहुत बच्चे ऐसा करते हैं वो ये भी याद रखेंगे ये याद रखें नहीं एक फॉर्मूला याद रखो. और मैं तो कह रहा हूं सारा फॉर्मूला याद ही मत रखो आप सिर्फ याद रखिए रखो बस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. लेकिन हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा फॉर स्मॉल एंगल. और लेकिन आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि वाई क्या था वहां पे कैपिटल डी क्या था ये सब आपको पता होना चाहिए. अगर ये सब रीज और ये नहीं प्रशांत ने बोला था कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा बस वही याद रखो. इसका मतलब ये नहीं आप बाकी चीजें भूल जाओगे. कहने का मतलब क्या है देखो जो चीज आप देख पिक्चर है ये फॉर्मूला ये आपको याद ज्यादा नहीं रहेगा लेकिन जो पिक्चर जो डायग्राम है आपको ज्यादा याद रहते हैं. इसलिए गाने आपने कई बार आप कई बार गाने सुनते होंगे ठीक है. तो गाने जब आप सुनते हो ना तो अगर आपके साथ में अगर वीडियो भी देखने को मिल जाए ना आपको फिर ज्यादा इंटरेस्ट आता है उस गाने में. ऐसे यहाँ पे होता है ठीक है भाई फॉर्मूले आपको ठीक है लेकिन फॉर्मूला वो आया कहाँ से वो उसके अगर आपको पिक्चर मिल जाए ना तो आपको ज्यादा समझ आता है. ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक आपको बच्चों. देखो मैं आपको कोई ऐसा कोई टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करा रहा बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि चीजों को आपको समझ के कैसे याद रखना है. बच्चों देखो याद रखोगे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है लेकिन ट्रस्ट में अगर आप समझ के याद रखोगे ना आप पे कभी बर्डन नहीं आएगा. और अब देखो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी टेन टेन थीटा वाई बिकॉज एंगल थीटा स्मॉल. तो फाइनल हमें क्या मिल गया बच्चों डेल्टा एक्स. मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ डी साइन थीटा वाले फॉर्म में याद रखता हूँ. बाद में चीजें डिराइव हो जाती हैं. बच्चों इसका डेल्टा एक्स का मीनिंग समझो ये क्या है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव. आप खुद सोच के देखो बच्चों अगर आप डिस्टेंस डी को बढ़ा दोगे अगर डिस्टेंस बच्चों बड़ा कर दोगे मान लो सोच के देखो बच्चों अगर मान लो आपकी एक स्लिट यहाँ पे जो एस वन है ना मान लो यहाँ पे इन दैट केस बच्चों ये डिस्टेंस देखो आप छोटा हो गया और जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको नहीं लगता कि डेल्टा एक्स बच्चों अब ज्यादा हो गया है. जो पाथ डिफरेंस बच्चों अब वो आपको लगता है पहले से ज्यादा हो गया है. ये बात किस किस को समझ आई समझ रहे हो. यानी कि अगर दो सोर्सेज के बीच में अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा उसको फील करवाओ ठीक है. सेकंड थिंग बच्चों आप सोच के देखो अगर मान लो आपको क्या करना है आपको मान लो आपको मैक्सिमम मिनिमम पता करना है इस पॉइंट पे जो बिल्कुल ओ के बिल्कुल पास में है तो सोचो आप जितना ओ को दूर जिस वाई को जितना बड़ा करोगे आपको नहीं लगता डेल्टा एक्स उतना ज्यादा होने वाला है. सोचो देखो अगर आप यहाँ पे निकालते इस ओ पे निकालते यहाँ तो डेल्टा एक्स है ही नहीं यहाँ पे जीरो है. इसका मतलब ओ से आप बच्चों जितना दूर जाओगे ना उतना ही ज्यादा पाथ डिफरेंस होने वाला है.
सिमिलरली बच्चों जितनी आप डी को बढ़ाओगे, मान लो आपने बच्चों डी स्क्रीन को यहाँ पे कर दिया, इन दैट केस याद करो, याद करो बच्चों ये क्या होता है, जब आप इतना दूर कर दोगे तो क्या, याद करो हम डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं उस केस में, क्यों, क्योंकि बच्चों जो पाथ डिफरेंस है और जो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सोर्स वो बहुत ही छोटा है उसके कंपेयर में। आप सोच के देखो ना, अगर मान लो एक तो देखो ये वाला है, ठीक है, एक तो मान लो ये है डिफरेंस है, ठीक है, एक मान लो पॉइंट यहां कहीं है, सॉरी ठीक है बच्चों, अब मान लो बच्चों स्क्रीन अगर मान लो यहां रख दिया आपने, दूर स्क्रीन रख दी, अब सोचो आप खुद फील करो, आपको नहीं लगता कि कहीं के जो डेल्टा एक्स कम हो गया है, आप इसको थोड़ा और दूर कर दो, डेल्टा एक्स और कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स एंड द लाइट सोर्स जितना आप क्या करोगे बढ़ाओगे, डेल्टा एक्स उतना कम होगा। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला याद करने आपको आसानी होगी नहीं होगी, दैट इज पाथ डिफरेंस। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर बच्चों किसी को भी अगर रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है, और मान लो अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट नहीं है और आप चाहते हो रिवीजन करना, देन यू कैन लीव द क्लास, जरूर नहीं आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। मैं सबको काफी ये रिपीट करता हूँ, आई थिंक दीपा मैम ने सबको बताया भी होगा, अगर आपका रिवीजन ठीक चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, देन यू कैन रिज्यूम योर रिवीजन, ठीक है बच्चों। तो ये किसी ने पूछा था ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब इसमें पूछोगे, अगर मान लो किसी ने पूछा कि मैक्सिमा कहाँ पे, अब बच्चों देखो अगर आपको ये समझ आ गया ना, डेल्टा एक्स हमें पास डिफरेंस मिल गया, अब उसके बाद मैक्सिमा याद करो, तो मैक्सिमा के कंडीशन क्या होती थी, डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, याद है, एन टाइम्स लैम्डा, बस यहां से आप फुट कर दोगे तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी, बस यहां से अपने एक ही इक्वेशन और आ जाएगी, देखो आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो मैं तो आपको बस ये बोलूंगा बच्चों कि ना बहुत सारे फॉर्मूले याद करने के बजाय उनमें आपस में इंटररिलेट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ अरे भाई आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये भी याद रखो, सब याद रखो, अगर बच्चों आपको ये पता है तो, अगर आपको ये पता है बच्चों तो आप ये तो आप बहुत ही आराम से निकाल लोगे, ये पता है इसको, बस अगर आपको मैक्सिमा चाहिए इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा, अगर आपको मिनिमा चाहिए तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन बाय टू लैम्डा, बस ऐसे ही करना। उसके बाद क्या आपको लोकेशन मिल जाएगी, इसका हम ये इसका कर कहते हैं भाई, फाइनली हमने वाई 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 का मतलब क्या है बच्चों, अगर आपने मैक्सिमम पुट किया तो बच्चों ये वाई की वो वैल्यूज है जहां पे क्या है मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा मैक्सिमा आएगा, ठीक है। मिनिमा की कंडीशन डालोगे तो बच्चों ये वाई की वो वैल्यूज है जहां पे क्या आएगा मिनिमा आएगा, जहां पे इंटेंसिटी सबसे मिनिमम है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहां तक, क्लियर है ना, ठीक है। अब उसके बाद पूछ लेते हैं भाई, चलो ठीक है फ्रिंज आ गई है, अगर आपको फ्रिंज विड्थ बतानी है तो मतलब आपकी जो फ्रिंज कितनी मोटी बनेगी, कितनी मोटी बनेगी बच्चों, अब मुझे क्या बताओ, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ भाई देखो जब y को बच्चों आप जीरो पुट सॉरी n को जब जीरो पुट कर दोगे तो y क्या गया जीरो, इसका मतलब क्या बच्चों इस पॉइंट पे क्या बनेगा मैक्सिमा, आप n के वैल्यू वन पुट कर दो तो क्या आएगा लेमडा डेल्टा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है। सिमिलरली आप जहां पे आप n के वैल्यू पुट करोगे तो y क्या जाएगा, y आ जाएगा लेमडा डी डिवाइड बाय में टू डी, आप जब टू पुट कर दोगे ये वन मान लो अपना, ये टू मान लो, ये अपना जीरो, ये अपना वन, ये कितना आ जाएगा जब टू पुट करोगे तो थ्री लेमडा डी डिवाइड बाय में टू डी। अब कोई पूछा आपके फ्रिंज विड्थ क्या है बच्चों, बस अब देखो रट्टा लगा, आप रट्टा लगा भी सकते हो, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है दो दो फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दैट इज y0 माइनस सॉरी y1 माइनस y0 कितना गया लैम्डा d डिवाइड बाय d। सिमिलरली अगर आप इसका बात को डाल उसके आप मिनिमा की बात करोगे यहां पे क्या जाएगा
थ्री लेमडा डी डिवाइड बाई माई टू डी माइनस क्या है लेमडा डी डिवाइड बाई टू डी आना वही है बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या होता है सेम ही होता है दैट इज लेमडा डी लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई माई स्मॉल डी. अब आप ध्यान से देखो ये सारे फॉर्मूले क्या सिमिलर से फॉर्मूले मतलब कंफ्यूजिंग से है समझ रहे हो. इसके लिए इसलिए आपको बोल रहा हूँ बच्चों देखो हो सकता है आप जब क्वेश्चन करोगे हो सकता है आपको 5 सेकंड लग भी जाए इसको थोड़ा बहुत आगे पूछे ओके अरेंज करने में. हाँ ठीक है 5 सेकंड लग भी सकते हैं बट ट्रस्ट मी आपके माइंड में बहुत ही कम बर्डन होगा. ठीक है कुछ बच्चे हो सकता है मिनिमा की पूरी इक्वेशन याद कर रहे होंगे कुछ बच्चे हो सकता है मैक्सिमा की पूरी इक्वेशन याद कर रहे होंगे. इतनी जरूरत नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ. अगर आपको देखो समझ के आप याद रखोगे ना आपको भूलोगे भी नहीं. आई होप आपको सब बातें समझ आ रही होंगी. ठीक है ये अपना फ्रिंज बता गया तो देखो अपनी फ्रिंज का मतलब क्या देखो ये देखो बन रही है ये ब्राइट फ्रिंज है फिर यहाँ पे क्या बीच में डार्क होगा फिर ब्राइट फिर आ रही है तो बच्चों इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो या फिर आपकी इसकी एक सेकेंड देखो चो ये आप निकाल लोगे ना यहाँ से लेकिन यहाँ से निकालो आपको क्या मिल जाएगा अपनी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी. ठीक है यहाँ तक कर तो किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ना वेव में और क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी देखो आप सबको पता भी है इम्पोर्टेंट कौन सा और अच्छा आप बताओ आपको क्या लगता है और कौन सा इम्पोर्टेंट है आप बताओ. चलो आप बताओ बच्चों क्या लगता है कौन सा इम्पोर्टेंट है सबको पता है मैं कह रहा हूं कि बात सबको पता कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक है सिमिलर बच्चों अगर आपको इंटरफेरेंस बहुत याद है वो आपको बता देता हूं मैं इंटरफेरेंस वाला भी. हाँ अगर हम इंटेंसिटी की बात करें इंटेंसिटी वाले बच्चों अपना हमारा फॉर्मूला था देखो कि अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या आता है सो अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव ये अपना क्या क्या बच्चों एम्पलीट्यूड. ये बात किस किस को समझ आएगी आई थिंक ये बात सबको पता होगी दैट इज आई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव समझो जिस पॉइंट पी पे दो दो वेव का आपस में इंटरफेरेंस हो रहा है. ठीक है वहां पे हमारे जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है उसको निकालेंगे ये तरीका है. एंड आई थिंक सबको पता होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बस कुछ नहीं करना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सो आई विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ आई वन अनरूट I to root cos of I. ये हमने किसके लिए निकाला बच्चों ये है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव क्या क्या डिस्ट्रक्टिव क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. अगर दोनों मान लो बच्चों आई थिंक सबको पता होगा अगर मान लो दो स्लिट अगर बिल्कुल सेम है तो वहां से हम ये मान के चलते कि जो दोनों जो वेव नहीं जो दोनों लाइट वेव है उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या बच्चों इक्वल है. इन दैट केस क्या हो जाएगा हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी. अगर मान लो बच्चों दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है और किसी पॉइंट पे जहाँ पे हमें अपने को इंटरफेरेंस निकालना है अगर वहां पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इन दैट केस दे विल नलीफाई ईच अदर इन दैट केस वहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो. इसलिए देखो बच्चों यहाँ पे डार्क है क्या बच्चों डार्क फ्रिंजेस तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है. ठीक बच्चों यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन क्लियर है सर. हाँ जी सर जब हम इन फोटो करंट और वी के साथ ग्राफ बनाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के तो फ्रीक्वेंसी रिपीट करो फिर से. फोटो करंट और वेलोसिटी के साथ जब हम ग्राफ बनाएंगे
और उनकी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ज्यादा किसकी आएगी, F1 की या फिर F2 की? आपकी ना आवाज साफ नहीं है, दोबारा बोले पर। सर फोटो करंट और V के साथ हम ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के। हाँ हाँ ठीक है, तो उसमें ना फ्रीक्वेंसी आ रही है ओके ग्राफ में, और हमने दो प्लॉटिंग करी है F1 और F2, ठीक तो है, ज्यादा किसकी होगी? तो देखो बच्चों याद, आप याद करो क्या बोलते हैं अपना ये किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस पे इंटेंसिटी नहीं बच्चे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। यस सर, फ्रीक्वेंसी भी करते हैं और इंटेंसिटी पे भी करते हैं। नहीं बच्चे इंटेंसिटी पे फोटो करंट नहीं करते, मतलब आपने जो भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है याद करो उसमें क्या होता था, एच न्यू हम एनर्जी देते थे, एक फोटोन आता था ना, एक फोटोन आता था वो बम्बार्ड करते थे हमारे मेटल के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो बच्चों इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे, हमारी फ्रीक्वेंसी या तो हाई होनी चाहिए या वेवलेंथ कम होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज याद करो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इनटू सॉरी v इनटू टाइम, और हम क्या लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, या फिर आप इसको f भी ले सकते हो अगर आप इसको नॉर्मल करना था, f एक सेकंड f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या होता है, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो हमें या तो हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, वी वॉन्ट हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, ठीक है। याद करो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है। यस सर, अच्छा ठीक है। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखना फोटो करंट जो ना इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर, चलिए मनीषा ने पूछा था मेरे से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बच्चों आपको मैं वैसे बता देता हूँ उसका, देखो फंडा क्या होता है, काम कैसे करता है। देखो बच्चों एक्चुअली देखो होता क्या, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते क्यों है, पहली बात तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि याद करो एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, आप उसको पास लेके आते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, आप उसको एक लिमिट तक पास ला सकते हो, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, क्या बोलते हैं नियर पॉइंट, मतलब उसके बाद अगर आप आओगे ना, आप उसका अंदर लेके आओगे ना, तो आपके आंखों पे स्ट्रेस पड़ने लगता है, ठीक है। अब होता है क्या बच्चों, अगर मान लो हमें चीज को, अब देखो ये तो खैर बड़ी चीज है, ये तो बड़ी चीज है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, अगर मान लो बहुत ही छोटी चीज है आप उसको कैसे देखोगे, कैसे देखोगे बेटो बच्चों उसको, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें एक छोटा लेंस यूज करते हैं, और उसका फंडा आपको बता दो, उसका देखो फंडा देखो क्या, तो बेसिकली एक्चुअली देखो होता क्या है, देखो बच्चों अब है ना हमारा एक एक एंगल बनता है हमारी आई पे, हमारी आंख पे बच्चा क्या है एक एंगल बनता है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हाइट एच का, ठीक है, और मान लो बच्चों कि आप कि ये आई है ऐसे, ठीक है। अब बच्चों ये एंगल बनता है, मान लो ये अपना थीटा नॉट, सो क्या होता है, सो टेंजेंट ऑफ थीटा नॉट विल बी इक्वल टू एच बाय डी, डी क्या बच्चों अपना नियर विजन, मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट है। अब जब बच्चों थीटा बहुत छोटा होता है ना, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाय डी, ठीक है। अब देखो बच्चों करते क्या है कि मान लो, अच्छा ठीक बताओ अगर आप कैसे भी करके इस एंगल को बढ़ा दो, आप जब इसके एंगल को बढ़ा दोगे तो आपको नहीं लगता कि आप उस ऑब्जेक्ट को बहुत साफ और देख सकते हो, थोड़ा और बढ़ा करके देख सकते हो? यस सर, जैसे मान लो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैसे कर, मान लो देखो एक चीज देखो दूर है, आपने सोचा कभी जो दूर की चीज हमें साफ क्यों नहीं दिखती, मतलब जैसे ये है, ठीक है, ऐसे दिख रहा मैं दूर का, उसको पास लेके आऊंगा तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा साफ दिखने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो ये जो एंगल बनता है ना हमारी आई पे, एंगल बना हमारी आई पे बच्चों, ये बड़ा हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लिमिट तक बड़ा होगा, ये कुछ लिमिट तक बड़ा होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल पास ले आओ, देखो आप बिल्कुल पास आओगे ना आप देख ही नहीं पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी जो आईज है ना रेटिना पे साफ इमेज नहीं बना पाएगी,
और बच्चों जब तक साफ इमेज बनेगी नहीं आप देख नहीं पाओगे। तो कई बार देखो आपको सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर हमारी जो नॉर्मल एक एवरेज इंसान की आंखें क्या आराम से फोकस कर सकते 25 सेंटीमीटर की। ठीक है अब बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो करता क्या है। देखो मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ठीक है बच्चों ऑब्जेक्ट ये है। अब सोच के देखो यहाँ पे अगर थीटा नॉट अपना होता तो क्या होता, नॉर्मली एच बाई डी होता अगर हम सामने इसको ऑब्जेक्ट को रखते, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने एक लेंस रखा, हमने छोटा सा लेंस रखा, ठीक है। और हमने क्या किया बच्चों, एक इमेज बनाई यहाँ पे, हमने इमेज बना दी, ठीक है। ये बात सबको आए समझ में। और इमेज बच्चों हमने इस तरीके से बनाई इमेज कि ये जो है ना इमेज, इसके जो आईपीस है इसको बोलते हैं आईपीस। यहाँ देखो ये वाली कंस्ट्रक्शन है, ये देखो ये जो ना यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे छोटा सा जो भी आपने देखना है इसको, यहाँ पे छोटा लेंस होता है और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जहां से हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम आईपीस, ठीक है। तो बच्चों आईपीस की ना फोकल लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। अब देखो इसके वर्किंग क्या है, देखो हमने क्या किया बच्चों, इमेज हमने बना दी एच डैश बन गया। अब वो बच्चों एच डैश बनेगा, आपको नहीं लगता वो इस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा? मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब बच्चों सोचो अगर हमने इसको कैसिव करके हमने एच डैश को इस तरीके से बनाया कि ये इसके फोकस और इसके पोल के बीच में बना, तो आपको सॉरी इसके फोकस पे बना, ठीक है। तो आपको नहीं लगता इसकी इमेज बच्चों कहीं इन्फिनिटी भी बनेगी, कहीं ना कहीं दूर बनेगी? ये बात किस किस को समझ आई? अब सोचो हमें ऑब्जेक्ट तो ये देखना था पर इसके हम बहुत ही बड़ी इमेज देख रहे हैं, तो हमें साफ दिखेगा नहीं दिखेगा? साफ का मतलब ये नहीं कि पहले में क्लियर नहीं दिख रहा था, पर हमें और ज्यादा मैग्निफाइड दिखेगा वो, समझ रहे हो भाई? देखो आपको एक पेन दिख रहा होगा बट आप इसके बहुत ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आपको वो भी दिखने लग जाए तो समझो। तो बच्चों हमारे यहाँ पे देखो एक सेकेंड, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आता है एक्चुअली बीच में, या तो बच्चों देखो, सो व्हेन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज द फाइनल इमेज subtends an angle theta dash on eyepiece. अब बच्चों theta dash की वैल्यू कितनी आ जाएगी? So, theta dash is equal to h dash divided by ue. ये वाला, ये theta dash, ठीक है? Okay. Now where h dash is the height of the first image, height of the first image and u is the distance from the eyepiece. तो बच्चों अब हमारा ना magnification का formula होता है, that is m is equal to theta dash divided by theta not. मतलब क्या है इस चीज का भाई, अगर मान लो हमारे पास लेंस वेंस कुछ होता ही नहीं जिंदगी में, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मैक्सिमम थीटा एंगल नोट कितना बन सकता था? h by d, ठीक है बच्चों। तो जब आप इन दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना तो फाइनल आपको क्या मिलेगा बच्चों? सो ये अपना फॉर्मूला। अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा अंदर जाने आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस इतना रख लो बस याद। तो बच्चों देखो अब ना ये पहले ये समझो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो ठीक है हमारे पास अभी टाइम नहीं है बट आपको आगे के लिए बता रहा हूँ मैं। बच्चों आप जब ना हर चीज को जानने की कोशिश करो, हम जो पढ़ रहे हैं ना इसका मतलब एक्चुअली मतलब क्या है, आप वो समझ जाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज सीखने आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनल अपने बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इस टाइप का डेरिवेशन आपके आई थिंक बोर्ड पे एग्जाम में मुझे मुश्किल लगता है, मार्क्स क्या था क्वेश्चन तो कहीं से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो रिफ्रैक्शन वाले में, रिफ्रैक्शन वाले जो टॉपिक आपका जो चैप्टर है इसमें प्रिज्म पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकता है प्रिज्म पे, याद है प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, yes, sir, ठीक है उस पे आ सकता है, ठीक है। एक apparent depth उस पे आ सकता है, उसका डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। और उसपे भी आ सकता है, ठीक है। और नॉर्मल लेंस फॉर्मूला भी आ सकता है बच्चों, ठीक है।
और ध्यान रखो बस जितने देखो मतलब फंडा यही है, जितना हो सकता है आप चीजों को इंटर रिलेट करो, इंटर रिलेट करोगे तो ही चीज आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज तो हमारे माइंड की थोड़ी लिमिट होती है। ठीक है, एक बार फोर्ड बायस रिवर्स बायसिंग बच्चे इसके बारे में कल बात करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं ना सेमीकंडक्टर के दो आपको डाउट है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप हाई टॉपिक के साथ मत पूछो ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक पूछे रिफ्लेक्टिंग टाइप और टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग में, बच्चों देखो रिफ्लेक्टिंग में हम एक मतलब वहां पे हम रिफ्लेक्शन का वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग में बच्चों हम मिरर मिरर उसमें मिरर यूज करते हैं। आप कैसे यूज करते हैं, आप उसके इतना अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। आप बच्चों ध्यान को जो टेलीस्कोप होता है ना, जो टेलीस्कोप जो बहुत दूर से अंदर चीज देखते हैं उसमें बच्चों मिरर यूज करते हैं, मिरर। ठीक है, आपको भी देखना जो इमेज होती है ना बड़ी बड़ी, जो जैसे अगर आप चांद की इमेज देखो ना, अगर आप बहुत ही अच्छा अगर आपका टेलीस्कोप है बच्चों, बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप है, वहां पे एग्जैक्टली बहुत कुछ आपको, मेरे पास इमेज पड़ी नहीं है, मेरे दोस्त के पास टेलीस्कोप है, उसने मुझे भेजी थी, बहुत ही अमेजिंग इमेज थी, बहुत अमेजिंग, आपको कभी दिखाऊंगा मैं, उसने बल्कि वीडियो बनाई थी। और इसके अलावा टॉपिक क्या बोलते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में क्या लगता है आपको कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है? आई थिंक आपका वो तो नहीं आ रहा ना, टॉपिक कैसे भूल गया मैं, टॉपिक आपने बताया था, या रेडियो एक्टिविटी, ये तो आपको नहीं आ रहा ना किसी का? ठीक है, मुझे बात समझ नहीं आया आपका सिलेबस उन्होंने कम कैसे कर दिया, मतलब आपके पास तो आपका स्किल्स टाइम था। है बच्चों आपको पता है इसका रीजन क्या है? अरे बच्चे तो इस बार तो सबको पता है जाना कि आपकी क्लासेज मोस्टली ऑनलाइन चलने वाली है, कोविड तो 2020 से चल रहा ना, फरवरी 2020 से चल रहा कोविड तो। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ हाँ लेट मी चेक, बच्चों और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका? आई थिंक एक तो आपको सबको बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब वहां पे आपको अगर याद हो तो आइंस्टीन की इक्वेशन है, सबको पता ही होगा इसके बारे में तो। यस सर। चलिए ओके, एक बच्चा पूछ भी रहा है आइंस्टीन इक्वेशन, चलो अच्छा ग्राफ बनाना है, ओके आप बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो आप बताओ, पता ही है आइंस्टीन की वाली इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है? हाँ बच्चों आइंस्टीन की इक्वेशन, अब तक काफी बच्चे चीजें भूल चुके हैं, चलो आपको बताता हूँ, देखो बच्चों याद करो देखो अगर आपको पता हो तो बेसिकली देखो होता क्या है, मान लो कि हमारे सरफेस हमारे पास एक साइड सॉरी हमारे ये ऐसे कंडक्टर का सरफेस है, और आपने क्या किया बच्चों यहाँ पे आपने कुछ लाइट रेज आपने क्या करवाई बच्चों इंसिडेंट करवाई। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई है इनकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो बच्चों इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच म्यू, क्या हो जाएगी, एच म्यू। ठीक है, अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल भी गए,
यहाँ से निकल भी गए, ठीक है, और बच्चों इधर मूव करने लगे, ऐसे मूव करने लगे, ठीक है। अब बच्चों मान लो आपने जो एनर्जी दी थी वो क्या थी, एच न्यू, एक सेकंड, आपने जो एनर्जी थी बच्चों एच न्यू, तो हमने एनर्जी कितनी दी बच्चों, एच न्यू, ठीक है। और मान लो हमारे जो है ये इनके कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ऐसा एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया कि जो एच न्यू हमने जो दी थी एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो इससे छोटी थी, वो क्या थी बच्चों, इससे छोटी थी। इसका मतलब क्या है, कुछ हमें कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बच्चों उनको निकालने में यूज होती ही होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये बात किस किस को समझ आई, यानी कि हम एक इक्वेशन क्या ले सकते हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन। तो अगर बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, ठीक है। अब मान लो बच्चों देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए इन दोनों के बीच में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जब इसे आप कंपेयर करोगे तो बच्चों हमारी इक्वेशन कैसी आएगी, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा नीचे से, लेट मी शो यू, ऐसे, ठीक है। ये एंगल कितना है, सॉरी एंगल छोड़ो, पहले इसके बाद करते हैं। ये बच्चों वर्क फंक्शन है, और ये डिफरेंट मेटल के डिफरेंट होता है। मान लो अगर एक मेटल ऐसा है और बच्चों अगर दूसरा मेटल हम बनाए, हो सकता है उसका देखो ग्राफ सब देखो स्लोप सबका सेम आएगा, स्लोप के बारे में बात अभी करेंगे। ये कितना बच्चों पाई टू, बच्चों देखो स्लोप देखो ना, स्लोप सबका सेम है, क्यों, बिकॉज यहां से देखो यहां से स्लोप की वैल्यू कितनी है, एच, और एच की वैल्यू क्या बच्चों, कांस्टेंट। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, एच इज इक्वल टू दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, आया समझ में। तो बच्चों इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ काफी इंपोर्टेंट है, इस पे पक्का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, इस पे बच्चों न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस पे, ठीक है। और बच्चों अगर आपको अगर इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है, आप इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूं, अगर आपको इक्वेशन बच्चों म्यू की बजाय अगर ये इसमें पूछ लेता हूं, दैट इज ई, सॉरी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई। अगर बच्चों आपसे बोल दिया जाए कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस फाई वन बाय लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा बच्चों, डिफरेंस हो जाएगा स्लोप का, ये क्या बच्चों वन बाय लैम्डा और एक काइनेटिक एनर्जी, बाकी सब सेम रहेगा, डिफरेंस क्या रहेगा स्लोप, क्यों बच्चों इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बार एच सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई,
क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? और इसके अलावा इस टॉपिक में, हाँ एक टॉपिक बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल? उससे भी आ सकता है, उससे मतलब ग्राफ ही आ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेंगे उसमें, उससे ग्राफ मतलब पूछ सकते हैं कि मतलब आपको पता ना स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली बच्चों इसमें होता क्या है ना कि अगर आपको चीज समझ आए तो, कि एक कनेक्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक लाइट इंटेंसिटी के हम क्या करते हैं इंसिडेंट करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और बच्चों जिस मेटल से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसी मेटल को हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी की। अब होगा क्या बच्चों, अगर पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देखो आपको बना के दिखाता हूँ, देखो मान लो कि हमारी एक बैटरी ऐसे है, मान लो हमारी एक बैटरी है ऐसे, ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया बच्चों, एक मेटल से जिससे जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने वाले हैं, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट को और दूसरे पे नेगेटिव प्लेट को, ठीक है, इस पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लो बच्चों हमने क्या किया, हमने इस पे लाइट रे इंसिडेंट करवाई स्पेसिफिक इंटेंसिटी सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और हुआ क्या यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले वो भागेंगे, ठीक है, भागेंगे वो, ओके। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? किसी को समझ आई? हाँ जी बच्चों किसी को समझ नहीं आई क्या? सर आ गया, ठीक है। अब देखो फाइनली देखो होता क्या है ना कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो फाइनली E into V नोट, याद करो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हम फाइनली ये इक्वल करा लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस हमें इतनी वोल्टेज के हमें इतनी वोल्टेज हमें देनी पड़ेगी एनोड को ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो दूसरे एंड तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों और इसमें क्या आ सकता है, हाँ लेट मी चेक मेन तो यही था यहाँ तक तो, उसके अलावा आप बताओ बच्चों आपको भी याद होगा ना, आप सबने रिवीजन किया, आपको क्या लगता है? मैं फिर कंफर्म कर दूंगा कि सर मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप बताओ फिर मैं उसको कंफर्म करता हूँ कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बोलो बच्चों एक टॉपिक और भी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके बारे में पूछ सकते हैं। यस सर, डी ब्रोगली एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन इम्पोर्टेंट है। एक पीछे टीवी चल रहा है क्या?
हम ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल टेम्परेचर के बिल्कुल वो है, ठीक है, लेकिन हाँ डीप ब्रोली का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाय मोमेंटम, ठीक है, ओके। बाकी और इसके अलावा आप बताओ इसके अलावा और कौन सा टॉपिक आ सकता है? अच्छा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, लगता सबका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो गया, सभी कोई आवाज नहीं कर रहा है ना, ये अच्छी बात है। अगर सबका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। तो अच्छा एक टॉपिक भूल रहे हो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बोर मॉडल भूल गए या मिस्टर बोर को भूल गए? तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसने मतलब जो रिवोल्यूशन लेके आया था मॉडर्न फिजिक्स में, जिसने रदरफोर्ड को बिल्कुल ऐसे बोल दिया भाई तू बस तू रहने तेरे से ना हो पाएगा, बोर मॉडल ने आते जो मॉडल देते याद है, भूल गए बच्चों? फॉर्मूला था बच्चों याद करो, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एस डिवाइड बाय 2 पाई। यस सर, पूरे पूरे चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। बाकी रेडियस आपका जो या एक एक कुछ कुछ डेरिवेशंस है, रेडियस ऑफ एनर्थ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें याद है भूल गए? इंपैक्ट पैरामीटर, यस यस बच्चों, वेलोसिटी, ये देखो अभी देखो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो जैसे रेडियस ऑफ एनर्थ ऑर्बिट हो गया या वेलोसिटी हो गया, ये सब फॉर्मूले ना बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो बच्चों बस ये ध्यान रखना कि आपने इनको डिराइव कैसे किया, अगर आपको याद रहेगा ना वो तो आपको फॉर्मूले ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सब चीजें, ठीक है, वो एन की कितना प्रोपोर्शनल है, वो अपना एटॉमिक नंबर की कितना प्रोपोर्शनल है, ये आपको देखो रिलेशन आपको समझ आना चाहिए। आप सोच के देखो तो वेलोसिटी है वो एन की क्या होगी, एन की डायरेक्टली होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्या लगता है आपको एन के? भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो जितना दूर होगा उससे प्रोटॉन से या फिर न्यूक्लियस से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, सोच के बताओ। बच्चों कम होगी, ठीक है, velocity is proportional to atomic number but inversely proportional to nth orbit, ठीक है। लेकिन रेडियस में क्या जाएगा भाई, देखो जितना n की वैल्यू बड़ी होगी रेडियस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना z ज्यादा होगा या जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना रेडियस कम होगा। क्यों? अगर बच्चों न्यूक्लियस के अंदर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास खींचेगा ना, समझ रहे हो? बोहर मॉडल से रिलेटेड बच्चों काफी सारे डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन कौन को आ गया पक्का, बोहर मॉडल से एक दो डेरिवेशन आ जाएगा। बाकी एनर्जी एनर्जी का भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा कोई डाउट? मनीषा पूछ रही है ग्राफ आ सकते हैं, बस यस बेटा ग्राफ आ सकते हैं, पूरी पूरी चांस होते ग्राफ आने के, लेकिन उन्हीं चीज के ग्राफ आ सकते हैं जो बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हर एक ग्राफ आ सकता है, नहीं जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपने पूछा आइंस्टीन इक्वेशन वो ग्राफ है, क्योंकि देखो बच्चों उन ग्राफ के आने के ज्यादा चांस होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आइंस्टीन इक्वेशन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए देर विल बी डिफरेंट वर्क फंक्शन, तो हम क्या करते हैं हम ग्राफ से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों उन टॉपिक्स के ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिन ग्राफ की हेल्प से हम टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों?
सो आई थिंक आपके डाउट सबके क्लियर हो चुके हैं। ओके अगर किसी को डाउट अभी है पूछ लो, अदरवाइज हम वीकेंड नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। सर फैक्टर ऑनवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड, बच्चों याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था। बस इसी पे डिपेंड करेगा, C तो कांस्टेंट है, V पे डिपेंड करेगा। सर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बता दो। देखो जो इंटरफेरेंस में क्या होता है ना कि दो वेव क्या करती है, आके मिलती कहीं किसी पॉइंट पे, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, हम एक वेव का हम उसका वो चेक करते हैं, जैसे आपने एक वेव छोड़ी, ठीक है, और आपने जो स्लिट है जिसमें से आप पास करवाना चाह रहे हो उसका जो साइज है, और जो वेवलेंथ आपने छोड़ी है उसकी जो सॉरी जो आपने जो वेव छोड़ी है उसकी वेवलेंथ अगर दोनों आपस में कंपेरेबल होता है तो बच्चों उसका ना पाथ थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। इंटरफेरेंस में बच्चों हम दो वेव को मर्ज करवाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं, अगर कोई डाउट है कल हम कवर करेंगे, डोंट वरी। अदरवाइज बच्चों ध्यान रखना प्री बोर्ड के जैसा भी रिजल्ट आता है अच्छे से अपना अच्छे से प्रिपरेशन हो, अच्छे से एग्जाम दो अपना, ठीक है। उसके बाद आते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हम रिविजन करेंगे, आपके पूरे रिविजन हम करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। कोई डाउट बच्चों, कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन लीव नाउ। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप बच्चों आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कुछ बच्चे अभी बहुत टेंशन में बैठे होंगे कि सर रिवीजन करना है, बच्चों प्री बोर्ड है, आई नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है, बट देखो टेंशन बहुत ज्यादा लेकिन नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये कन्फर्म है। तो ट्राई करो एक एक टॉपिक को, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपका प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको वन बाय वन लिख लो एक बार कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और फिर उसको खत्म करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर काम करो, ऐसे कर करके काम करो। बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने की ट्राई मत करना कि मैं ये चैप्टर भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लो, डोंट वरी बच्चों, कल तक बहुत आराम से आप रिवीजन कर सकते हो अगर आप तरीके से कर रहे होंगे। वन बाय वन बाय वन बाय वन करो, ठीक है, क्लियर। ओके कुमकुम पूछ रही है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव में तो क्या होता है। बच्चों देखो रिलेटिव में क्या करते हैं हम दो, एक सेकंड आपको देखोगे, देखो मान लो आपने लिखा कि सी बाई वी, ये अपना क्या है बच्चों एब्सोल्यूट, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो कि म्यू वन टू, मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसको लिखो आप म्यू वन बाई म्यू टू, और एज पर द डेफिनेशन म्यू वन क्या हो जाएगा सी डिवाइड बाई वी वन, ठीक हो जाएगा सी डिवाइड बाई वी टू, फाइनल क्या हो जाएगा वी टू बाई वी वन। ये अपने क्या होगा बच्चों रिलेटिव, कि हम दो दो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक को हम पानी के साथ कंपेयर करें, ठीक है भाई, एक जो लिक्विड है, कोई मान लो कोई लिक्विड है उसको पानी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक मान लो एक केरोसिन है एक पेट्रोल है, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो बच्चों फिर हम कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट हो टेंशन मत लेना, आप आराम से कवर कर लेंगे।